था, क्योंकि उस खिलजी को, जो एक बिल्कुल हौसखोर इंसान था, जिसने क्रूर इंसान था, वो ये तक नहीं चाहती थी कि अपनी छत्राणियों को, उनके ये जो मुस्लिम जो भी है या जो खिलजी है, उनको हाथ लगाए। चाहती तो वो तो जहर खा सकती थी, चाहती वो खंजर मार सकती थी, पर उन्होंने क्यों जोर किया? क्योंकि वो नहीं चाहती थी, वो इतनी पवित्र थी कि वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई भी मुस्लिम या कोई भी राजा या जो भी मुस्लिम से जो इकट हुआ था वो उनको हाथ लगाए। तो ये जो था एक इतिहास के साथ बंसाली ने छेड़खानी की है, तो उसको एक सबक है कि भविष्य में बंसाली कोई भी निर्माता, पिक्चर का निर्माता कभी भी किसी भी हिंदू या चाहे कोई भी धर्म हो उसके इतिहास के साथ छेड़खानी न करे। जी, खास करके सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को सर्टिफिकेट देना भी बाकी है, क्या कहना चाहोगे? इसमें बदमाशी है भंसाली भांड की। हाई कोर्ट में मैंने पीआई डाला था और सुप्रीम कोर्ट में मेरे जो कानून, जो मेरे महामंत्री है कानून विभाग के, उन्होंने ही डाला, सिद्धराज सिंह चंपावत जी ने। सुप्रीम कोर्ट को ये गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इसने अभी तक जब सेंसर बोर्ड से परमिशन नहीं, इसने कैसे रिलीज कर दिया इसने बैनर, इसने कैसे गाना रिलीज कर दिया, इसने कैसे ट्रेलर रिलीज कर दिया? यदि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी हमारा फेवर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये भी बताया है कि ठीक है, सेंसर बोर्ड को भी ये डायरेक्शन दिया है कि भाई जब आप इस मूवी को आप परमिशन दें, उससे पहले सारे तथ्यों को संभाल के इस पर सिनेमोटो जो भी इनका रूल्स रेगुलेशन लॉ अकॉर्डिंग लॉ सिने लॉ के अकॉर्डिंग आप इनको परमिशन दें, अदरवाइज हो सके तो उसको बैन लगाए अकॉर्डिंग योर रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो किस प्रकार की आगे की रणनीति? रिलीज बिल्कुल नहीं होगी साहब, रिलीज होगी तो थिएटर के बाहर हमारे करनी सैनिक ही होंगे साहब, जेल में जाना पड़े। कुछ भी हो हमारे करनी सैनिक के श्री राष्ट्रीय राजू करनी सेना के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो मूवी को रिलीज किसी कीमत में नहीं होने देंगे। यदि होती है तो बाहर हमारे करनी सैनिक अपनी कार्रवाई करेंगे, जो सिचुएशन के हिसाब से उनकी कार्रवाई करेंगे। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुझको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, रखियो तू लाज उनकी आज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घाटी दे टीला सो, हल्दी घाटी दे टीला सो, शिव पार्वती युद्ध देख रहा। मेवाड़ी वीरा दी ताकती, मेवाड़ी वीरा दी ताकत अपनी नजदा सो तोल रहा। बोया शिव जी सुन पार्वती, बोया शिव जी सुन पार्वती, मेवाड़ भूम दी बलिहारी। और आप लोगों के लिए जो हाचा कदम कदे जग में अठे जन्म ले नर नारी, तू स्वयं एकलिंग रूप धरो, मू स्वयं एकलिंग रूप धरो, सदियों सु बैठो भला अठे। माज भादो वो